पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा कल प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अंशुल शर्मा भी मौजूद रहे। अंशुल शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए पूर्वांचल के क्रिकेटर्स को तिरस्कृत किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ा जाए तो यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कभी भी पूर्वांचल के खिलाड़ियों को केंद्रीय स्तर पर जाने का मौका नहीं दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पिछड़ा कहे जाने वाला पूर्वांचल का क्षेत्र दुनिया भर में अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ता आया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मौका न मिलने पर पूर्वांचल के खिलाड़ियों ने अन्य प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खेलकर महारत हासिल की है। खेल की दुनिया में हमेशा से ही पूर्वांचल के खिलाड़ियों ने देश में खूब नाम कमाया है और पूर्वांचल का नाम रोशन किया है। पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा रखी गई इस प्रेस वार्ता में एसोसिएशन अध्यक्ष अंशुल शर्मा के साथ ही सचिव SM अर्शद, निदेशक दिव्य नौटियाल एवं उमर जावेद कलाम उपस्थित रहे। आज आप लोगों को इसीलिए बुलाया है कि हम लोग विगत 15 वर्षों से पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन की लड़ाई लड़ रहे थे और 2019 में हम लोगों ने रेगुलर कोर्ट में एप्लीकेशंस दे रहे थे, BCCI को लिख रहे थे, लेकिन BCCI ने कोई भी डिमांड हमारी पूरी नहीं की। तो हम लोग 2019 में कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेशित किया कि आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट जा कर के आप अपनी डिमांड को वहाँ रखिए। तो हम लोगों ने हाईकोर्ट में डिमांड रखी और हाईकोर्ट ने 2 महीने में हम लोगों को BCCI से ये डिमांड करने को बोला कि 1 माह के अंदर हम लोगों को फाइनल करें, हमारे रिप्रेजेंटेशन को फाइनल करें, जो भी चीज़ें हम लोगों को फाइनल करनी है। तो उसके बाद BCCI से 2 दौर की वार्ता हमारी हो चुकी है और उन लोगों का जो भी निर्णय है वो फाइनल है। तो हम आपसे, आपके माध्यम से और BCCI के माध्यम से हम यही डिमांड करते हैं कि आने वाले जो 2022 का वर्ष है उसमें पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन की टीम, रणजी ट्रॉफी की टीम, अंडर 19 की, अंडर 16 की, अंडर 25 की टीम खेले, जिससे जो पिछले 15 वर्षों से और पिछले 70 सालों से जो पूर्वांचल के बच्चों के साथ अनुपेक्षाएं हो रही हैं उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज भी 75 जिलों में 39 जिले ऐसे हैं जो आज भी अनरजिस्टर्ड हैं उत्तर प्रदेश के, तो वो मैक्सिमम जिले उसमें पूर्वांचल के आते हैं। तो इसलिए पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन का गठन किया गया है और हम चाहते हैं सभी बच्चों को उनका हक मिल सके, इसी चीज़ की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और आपके माध्यम से हम बार बार BCCI से, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया से अपील करते हैं कि हम लोगों को पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन को एसोसिएट मेंबरशिप की मान्यता दी जाए, जिससे जो बच्चे बाहर जाकर के दूसरे राज्यों में जाकर के खेलते हैं और वहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमा करके किसी तरीके से खेलने का मौका उन लोगों को मिलता है, वो चीज़ ना हो और आने वाले समय में पूर्वांचल क्रिकेट एसोसिएशन की टीम खेल सके। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।